अब टाइम आ गया है मुझे अपना रिजल्ट दिखाने का, और अभी मैंने रखा है कुछ च्युइंगम्स और ये कुरकुरे कुरकुरे तो ये बताइए। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तभी गाइस मैं हो चुका हूँ फ्रेश और आज मैं क्लास नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया हूँ? क्योंकि रात को फोन मैं साइड में रख के सो गया था, मैंने चार्ज देखा नहीं इतना चार्ज है फोन, और फोन सुबह में ऑफ था तो मेरा अलार्म बजा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठा मैं, तो इसलिए क्लास नहीं जा पाया आज। तो कोई नहीं, वीडियो तो आ ही जाएगा लेक्चर का, तो अभी फिलहाल करते हैं रिविजन टेस्ट का, उसके बाद करेंगे क्लास का स्टडी जो आज पढ़ाई हुआ है क्लास में, क्योंकि वो तो 2 बजे बाद आया ना वीडियो, 2 बजे बाद आता वीडियो जब क्लास एंड हो गया प्रॉपर, तो उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं वो लोग। तो अभी फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएंगे पढ़ाई करने। तो आज ब्रेकफास्ट में है पराठा, तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट उसके बाद जाएंगे पढ़ाई करने। गाइस आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, इतना अच्छा अच्छा कमेंट, लाइक मैं कल या परसों आयुष मुझे कमेंट दिखा रहा था कि किसी ने एक बैड कमेंट किया, मेरे पे बैड कमेंट बहुत कम आ रहा, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, 100 में से अराउंड 2 बैड कमेंट आ रहा है। तो कोई नहीं, उस बैड कमेंट में आप लोग जाके लड़ाई कर रहे हो, लाइक तुम कैसे बोल दिए ये शोभद्या को, तो ये लिटरली बता रहा हूँ। उस टाइम जिस टाइम आयुष ने मुझे दिखाया उस टाइम मेरे आँख में आंसू आ गए, लाइक इतना प्यार, कसम से बता रहा हूँ, उस टाइम बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो मुझे, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही प्यार करते रहो, ठीक है? तो मिलते हैं पढ़ाई के बाद, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है? आप नोटिस करना, जब से मतलब अराउंड 1 वीक से मैंने अपना बियर्ड ट्रिम नहीं किया ना, मैंने अपने बाल कटवाए ठीक से क्या कटवाई नहीं है, मैं अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा हूँ इसके, मैं जाकर अपना बियर्ड ट्रिम करवाऊँ या खुद से करूँ, तो आप समझ रहे हो ना मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ आपके लिए भी और खुद के लिए भी पढ़ाई में। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपना बियर्ड भी ट्रिम कर लूँगा, तो भी चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाई करने, ठीक है? बहुत बार बोल चुका पढ़ाई करने के लिए, तो अभी फिलहाल चलते पढ़ाई करने। डन 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 डन। तो अभी गाइस मैंने बनाया चाय ब्रेक में, क्योंकि मैंने लिया ब्रेक और अभी टाइम हो गया गाइस 12 बज रहा है, तो फिलहाल पीते हैं चाय और उसके बाद हम करते हैं केमिस्ट्री का रिवीजन, उसके बाद फिर करेंगे बायो का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले कुछ भी बताना चाहता हूँ आपको, मेरे टेस्ट का रिजल्ट, तो जो रिजल्ट मैंने लाइव बताया था आपको 500 मार्क्स, उससे ज़्यादा है मार्क्स मेरे, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में या फिर मिड में अपना रिजल्ट शो कर दूंगा, तो डोंट वरी गाइस, बस वेट करो जरा और वीडियो देख लो, वीडियो स्किप मत करना प्लीज़, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट प्लॉट में। तो अभी गाइज मैंने बनाया चाय और मैंने कर लिया है बायो का रिवीजन कंप्लीट, मतलब अभी का स्लॉट कंप्लीट, और अभी मैं करूंगा चाय पीते पीते क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मिलते गाइज चाय के बाद। अभी गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैं चाय के साथ साथ अपना फोन भी यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं चाय को उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि मैं उसके लिए पूरा टाइम बर्बाद करता हूँ अपना, तो मैं चाय के साथ साथ अपना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे कि बहुत लोग पूछ भी रहते हैं कि भाई आपका शेड्यूल क्या है, लाइक आप क्लास से आके 2 घंटा रेस्ट करते हो तो 2 घंटा में क्या क्या करते हो, और उस टाइम मैं लाइक मैं जब क्लास से घर आया ड्रेस चेंज किया खाना खाने बैठा, तो खाना खाने बैठने के साथ साथ मैं फोन में PYQs या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक किसी चैप्टर के, लाइक मैंने कोई चैप्टर पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो इसमें एक ऐप है मेमो नीड करके, तो मैं जब भी फ्री टाइम हुआ लाइक खाने खाने टाइम या फिर क्लास में फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है लिटरली गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको ऐप में क्या क्या है। ये एप्लीकेशन है मेमो नीड करके, देख सकते हो आप, तो जैसे इसमें देखो इसमें बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, टेस्ट सीरीज भी है, डेली टाइम स्पेंड कितना आप इस पर कर रहे हो ये भी दिखा देता है आपको शो, लाइक मैंने बायो में गया, ठीक है? और बायो में ये यूनिट वगैरह है, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, एज एग्जांपल मैंने ह्यूमन फिजियो पढ़ा अभी, ठीक है? इसको मैंने क्लिक किया, तो इसमें ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर हैं, ठीक है? डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, बॉडी फ्लूइड है, सर्कुलेशन है, तो लाइक मैंने अभी पढ़ा डाइजेशन, ओके? तो मैंने डाइजेशन पर क्लिक किया, ये रहा, तो इसमें सारे डाइजेशन के कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह सब सारी चीज़ें, तो मैं लाइक अभी ये देखो अंडरस्टैंडिंग द ओरल कैविटी पर क्लिक किया, ठीक है? उसमें नोट्स भी, आपको नोट यूज़ करना, नोट यूज़ कर सकते हो आप, तो इसमें हम लोग कंटिन्यू तो प्रैक्टिस करते भी कि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस किए। अब इसमें लाइक क्वेश्चन आया आपको, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ डैश एंड डैश टंग, तो इसमें होगा टीथ एंड मस्कुलर टंग, यही होगा आंसर, ठीक है? तो अब इसमें मैंने जान मुझे गलती कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि गलती करते हो आप इसमें तो क्या आता है,
लाइक मैंने देखो मैंने इसमें सेल पे क्लिक किया फिर चेक किया मैंने आंसर, तो इसका आंसर आया थिथ एंड मस्कुलर जो राइट आंसर है। तो इसमें क्या लिखा था आपको, उप्स करेक्ट आंसर इज थिथ एंड मस्कुलर। ठीक है, अब इसमें आपको पता है क्या दिखा रहे हैं, लाइक ये देखो क्लास 11 के बायो के बुक में पेज नंबर 257 एंड पैराग्राफ नंबर 3, समझ रहे हो आप, लाइक ये आंसर और ये किस पैराग्राफ में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है। लाइक आपने क्वेश्चन मतलब आपके कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ा डाउट है आपको, तो आप समझ रहे हो भाई ये ऐप में आपको एनसीईआरटी का बुक का लाइन दिखा रहा है, पैराग्राफ दिखा रहा है कि उसमें जाकर आप चेक करो, तो कितना अच्छा ऐप है। तो इस ऐप को मैं यूज करता हूँ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है गाइस, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ऐप। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, लाइक शोभित मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप उसको लिंक पे चेकआउट करना और उस पर शोभित लिख के आप इनरोल कर सकते हो, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो हाँ, आप जाके चेकआउट करना जरूर, तो बहुत ही अच्छा ऐप है ये, तो आई होप आप लोग यूज करोगे, मैं तो यूज कर रहा हूँ। अब बच चुका है टाइम 3, तो 4 बजे लाइव पे आना है, तो अभी मैं थोड़ा आधा घंटे पढ़ाई करूंगा फिर आधा घंटे रेस्ट लेके, तो 4 बजे से हम लोग लाइव पढ़ाई करेंगे 4 से 10, तो मिलते हैं सीधा लाइव के अंदर। ओके, तो मिलते हैं इस लाइव के अंदर। और अभी मैंने रखा है कुछ च्युइंग गम्स और ये कुरकुरे, कुरकुरे तो ये तो लेज़ है, हाँ तो अभी मैंने रखा है सब चीज़ क्योंकि मुझे लाइव में उठना ना पड़े कुछ चीज़ लेने के लिए, तो ये रखा हूँ। तो अभी करते हैं फिलहाल लाइव स्टार्ट, तो मिलते हैं आपसे लाइव के बाद। A few moments later. तो अभी गाइस मेरा लाइव सेशन हो चुका है खत्म और लिटरली आज भी बहुत 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 मजा आया पढ़ाई करने में, क्योंकि आज म्यूजिक भी लग गया था और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आ गया था ना कि नीचे पे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आज लिटरली बहुत मजा आया आज भी, और काफी सारे लोग थे आज भी, अराउंड 33,000 थे लास्ट में लोग, मैंने जब लाइव को एंड किया तो उसमें शो करा था कि कितने लोग आए थे आपके लाइव में आज, तो 33,000 लोग वॉच किए हैं टोटल मतलब लाइव को, और अराउंड ऑन एन एवरेज 400 पीपल थे लाइव में, आज भी बहुत मजा आया और मैंने काफी सारे सॉन्ग्स गए लाइव में जब मैंने ब्रेक लिया था, तो शायद आई डोंट नो कि यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल होगा इसमें लाइव स्टडी लाइक मतलब मेरी सब व्लॉग या फिर कोई सिंगर डॉक्टर मतलब समझ रहे हो ना आप, तो लाइव स्टडी में लाइव मैं गाना भी गा रहा था, आप लोग का माइंड भी रिफ्रेश हो रहा चीज़ से, तो मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसा कोई लाइव स्टडी कराता, तो गाइस टू सपोर्ट जैसे आप लोग करते हो बस प्यार करते रहो, बस उतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि आज का टाइटल में था कि इस 20 आवर स्टडी पे ऑफ, तो अब टाइम आ गया है मुझे अपना रिजल्ट दिखाने का, तो मैं आपको ले आता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए हैं मेरे, तो लेट मी शो यू गाइस। तो हाँ दिखा दो मैं आपको भी, ये रहा मेरा लैपटॉप और ये कुछ फाइल जो मैंने खुद को भेजा अभी मतलब आपको दिखाने के लिए, फ़ोन में दिखा नहीं सकता, अरे भाई कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ गया फाइल, ये तो मेरा ब्लॉग्स है लाइव का, तो ये रहा डाउनलोड्स। ये फुल लिस्ट मतलब मेरे क्लास के इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं भाई, इतने सारे देख रहे हो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इतने सारे, और मेरा कहाँ पे है, लेट मी शो यू, ये रहा मेरा, ये रहा शोभित सहाय, शोभित सहाय। तो फिजिक्स में 148, केमिस्ट्री में 117, एज़ यू नो केमिस्ट्री इज़ वीक मेरे लिए, बॉटनी के 136, जूलॉजी में है 145, तो टोटल मार्क्स है मेरा 546, और क्या है, बैच रैंक है 15, सेंटर रैंक है 293, हाँ ठीक है, जो मेरे आए हैं AIIT में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि मेरे नीट में बहुत ही कम मार्क्स आए थे और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, और मेरा देखा जाए तो मेरा ये पहला ही पढ़ाई का स्टार्ट है नीट के लिए, तो इतने मार्क्स मिले ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी टाइम हो गया है 12:01, तो मैंने दिखा दिया आपको रिजल्ट कि मेरा रिजल्ट क्या था, तो मेरे हिसाब से मेरा बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे और इम्प्रूव करना है इसको, क्योंकि मेरा गाइस एज़ यू नो कि मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप है और मैंने 11th 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा नीट के लिए, क्योंकि मुझे नीट मिला ही नहीं था, आपको भी पता है, अगर नहीं पता था मेरा फर्स्ट ब्लॉग जाके देखो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मेरा रिजल्ट, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो आप भी, और मैं भी पढ़ाई करते रहूँगा तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, और मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और ज़रा, तो ठीक है फिर भी ठीक है। और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात आप लोग बताना था कि आप लोग जब लाइव में मेरे साथ पढ़ाई करते हो तो आप लोग गाइस चैट बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं भी अपना चैट नहीं देख रहा हूँ, मैं बुक देख रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप लोग भी फुल स्क्रीन करके मेरे साथ पढ़ाई करना और चैट्स बिल्कुल मत देखना गाइस, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना, आप लोग क्या बात करें क्या नहीं कर रहे तो आप लोग को नहीं पता, तो अगर आप उसमें नॉर्थ वगैरह तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप बस क्या करना, फुल स्क्रीन ऑन करना, पढ़ाई करना, अभी मैं भी करूँगा पढ़ाई, अभी करना, तो चैट्स बिल्कुल मत देना गाइस, ठीक है, पढ़ाई करना सिर्फ, ठीक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आज के ब्लॉग में मैंने आपको कुछ दिखा भी नहीं पाया था, क्योंकि हम लोग कहीं भी नहीं गए ना, ना क्लास गए आज, ना बाहर गया मैं, मतलब दिन भर मैं घर पे हूँ, कब दिन से रात को पता नहीं चल रहा है, तो यही दिन बीता है नीट वाले बच्चों के लाइफ में, तो मेरा भी यही था, तो आज का कुछ उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब मैं कहीं गया नहीं, तो शूट भी नहीं कर पाया ना कोई वीडियो, तो आप लोग क्या देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, मतलब क्या ही देखोगे आप लोग, तो फिर
हाँ 20K भी हो चुके सब्सक्राइबर्स और आप बहुत 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 ज़्यादा प्यार कर रहे हो मेरे से। मैं भी आप उसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो गाइस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, मैं तो हमेशा करते रहूँगा, करो नहीं करो मैं तो करूँगा ही हमेशा। तो हाँ इस वीडियो में बता ही आई, अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी कल ही मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए बाय।